हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और केरला T20 ट्रॉफी लीग के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा DCA अल्पाजुआ वर्सेस DCA आई डुकी के बीच में। देखो भाई लोग, आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाना है। अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाएंगे तो 103% आपका टीम यहाँ पर बहुत कमाल का बनने वाला है। और जो भी बंदे यहाँ से वॉच करके जाते हैं पूरी वीडियो को, वो बंदे खुद से भी अपना टीम बेहतर से बेहतर बनाते हैं और वो अच्छा प्रॉफिट करके जाते हैं। क्योंकि हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि आपको अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, जो परफेक्ट खिलाड़ी होने वाले हैं उस खिलाड़ी को कैसे करना है और कौन से खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन आप कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि आपको अपना टीम कैसे बनाना है और अपने टीम में कितने खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन करना है। हम आपको बताते हैं कि आपका 8 से 9 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन 2 से 3 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। इसमें आपका कैप्टन, वाइस कैप्टन भी शामिल हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि ऐसे 5 लॉजिकल पंटर खिलाड़ी के बारे में, जिस खिलाड़ी के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा और वो पंटर खिलाड़ी आपके लिए ट्रंप कार्ड साबित होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। यहां पर अगर वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाएंगे तो आपका टीम 100% विनिंग टीम बना करके जाएंगे। देखो भाई लोग, आप लोग अभी तक अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पे आ जाइए। क्योंकि टेलीग्राम पर जितने ही बंदे हैं सभी बंदे यहां से अच्छा प्रॉफिट करके जा रहे हैं। क्योंकि हम आपको टेलीग्राम पर विनिंग टीम देते हैं और जितने भी बंदे यहां पर टीम बना करके जा रहे हैं सभी बंदे अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आपको यहां पर विनिंग टीम मिलती है तो आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि हम आपको यहां पर पूरा अपडेट बताते हैं और जितने भी अपडेट होती है सारा अपडेट के साथ साथ यहाँ पे जितने भी लॉजिकल जानकारी होती है सभी कुछ आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आ जाइए। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो हम बात कर लेंगे आज के मैच के बारे में। तो भाई जो मैच होने वाला है वो होने वाला है DCA अल्पाजुआ वर्सेस DCA आईडू के बीच में। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज का मैच का पिच बिहेव क्या रहता है, क्योंकि पिच बिहेव जानना बहुत ज़रूरी है भाई लोग। अगर आप अपने टीम में पिच का रिपोर्ट अगर अच्छे से जान लेते हैं तो आपका टीम जो वो परफेक्ट बनता है और उसी हिसाब से आपको अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन को भी सजेस्ट करना पड़ता है। तो देखो भाई, जो मैच खेला जाएगा वो मैच खेला जाएगा थुम्बा में। ठीक है, इसका जो पिच अगर देखेंगे तो इसका पिच का बिहेव आता है बॉलिंग फ्रेंडली, मतलब बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। और गुड फॉर सर, मतलब ऑलराउंडर को अगर अपने टीम में ज्यादा लेकर चलेंगे तो आपके लिए ऑलराउंडर ज्यादा भूमिका निभा करके देने वाले। ठीक है, तो आपको आज के मैच में ऑलराउंडर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे लॉजिकल खिलाड़ी के बारे में जो आपके लिए आज के मैच में पंटर साबित होने वाले हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखो भाई, यहां पर हमने आपको टोटल 4 खिलाड़ी दिया है, इसमें से आपको क्या करना है, टीम वन में आपको एस बेबी को और यहां पर निखिल एम को इसी अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन करना है। टीम टू में आपको क्या करना है, ए जोसेफ को और यहां पर ए सक्रिया को इसे अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन करना है। ये जो हमने आपको 4 खिलाड़ी दिया है इसे अपने टीम में टीम वन, टीम टू में सजेस्ट करना है। ठीक है, देखो भाई लोग, हमने जो आपको ये 4 खिलाड़ी दिया है ना, इस खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन यूज करना है वो भी सटीक। आप चाहे तो एनालिसिस देख लो या फिर आप जाके रिसेंट फॉर्म देख लो या रिकॉर्ड देख लो, उसमें से आपको पता चलेगा कि जो हमने आपको ये खिलाड़ी दिया है ये खिलाड़ी का परफॉर्म बहुत तगड़ा है और आप इसे अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अब आपको अपने टीम में ऐसे लॉजिकल 5 पंटर खिलाड़ी कौन से होंगे जिस खिलाड़ी को अपने टीम में यूज करना है। क्योंकि देखो भाई, सभी लोग जाएंगे हाईएस्ट सिलेक्शन की तरफ, ठीक है, सभी लोग का ध्यान रहेगा हाईएस्ट सिलेक्शन की तरफ, लेकिन हम आपको जो ऐसे लॉजिकल खिलाड़ी देंगे अगर आप उस खिलाड़ी को यूज करेंगे तो फिर आपका टीम जो है वो बहुत तगड़ा बनने वाला है और आपका टीम बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से करके जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे खिलाड़ी देंगे जिस खिलाड़ी को अपने टीम में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर उस खिलाड़ी को अपने टीम में इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका टीम जो है वो बहुत परफेक्ट बनने वाला है और अच्छा प्रॉफिट भी करके जाएंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर टोटल हम आपको 5 ऐसे पंटर खिलाड़ी देने वाले हैं जिसको अपने टीम में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपको क्या करना है, टीम वन में वीराज को और गिरीश को और यहां पर अखिल को इसे अपने टीम में लेकर चलना है, क्योंकि ये आपके लिए परफेक्ट पंटर खिलाड़ी होने वाले हैं आज के मैच में। ठीक है भाई, और आपको टीम टू में क्या करना है, जी मोहन को और यहां पर पे जेरिन को इसे अपने टीम में एज अ पंटर लेना है। एज अ पंटर खिलाड़ी हमने आपको यहां पर टोटल 5 खिलाड़ी दिए हैं, इसमें से आपको क्या करना है, 5 में से चाहे तो आप यहां पर एक खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना, लेकिन 4 खिलाड़ी को अपने टीम में जरूर लेकर चलना। जरूरी नहीं है भाई कि हाईएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी आपको हर रोज अच्छा प्रॉफिट करके देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। आपको कम से कम अपनी टीम में 2 से 3 खिलाड़ी या फिर 4 खिलाड़ी तो अपने टीम में ऐसे खिलाड़ी को लेकर चलना पड़ेगा जिसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, तो अपनी टीम में इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि अब आपको अपना टीम कैसे बनाना है और किस खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है। तो यहां पर देखेंगे, हमने आपको टोटल 7-4 का कॉम्बिनेशन दिया है। अब ये 7-4 के कॉम्बिनेशन में देखेंगे, विकेट कीपर में हमने यहां पर 2 विकेट कीपर लेकर चले हैं, वीराज को और ए सुरेश को। ठीक है, बैटर में हमने यहां पर 3 बैटर यूज किया है, एस बेबी को,
अखिल को और ए सागर को। ऑलराउंडर में हमने यहाँ पर तीन ऑलराउंडर यूज किए हैं, ए जोसेफ को, पी प्रसाद को, निखिल को, ठीक है भाई लोग। बॉलर में हमने यहाँ पर तीन बॉलर यूज किया है, एस समिधुन को और ए सकरिया को, ए बाबू को, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमने कैप्टन जो है एस बेबी को और वाइस कैप्टन निखिल को बना के रखा हुआ है। ये फाइनल टीम नहीं है भाई लोग, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।